Dear students, assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 20, which is based on unit 8, introduction to algebra, exercise 8D. Jee students, exercise 8D ka question number 2 humare paas hai. If A is equal to 4, B is equal to 9, C is equal to 25, evaluate B square minus 4AC. अब हमारे पास एवेल्युएशन के लिए एक्सप्रेशन दी हुई वो क्या है वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. अब मैंने इसमें क्या वैल्यूज पुट करनी है जो गिवन वैल्यूज है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये दिए हुए गिवन. अब हमारे पास ए इजिकल टू फोर बी इजिकल टू नाइन सी इजिकल टू 25 यानी कि बी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर बी की जगह पे 9 पुट कर दिया 9 स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है 4 एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 25. इनको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर निकालेंगे. 9 का स्क्वायर क्या आएगा 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 माइनस 25 फोर जार 100 100 फोर जार 400 400 माइनस करेंगे 400 81 में से 400 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 319 माइनस 319 इज द आंसर. सिंप्लीफाई करने के बाद हमने एवेलुएट कर दिया. दोबारा रिपीट कर रहा हूं ए इज इक्वल टू 4 बी इज इक्वल टू 9 C is equal to 25. Evaluate किसको करना है एक्सप्रेशन हमारे पास क्या गिवन है B square minus 4AC. B square minus 4AC में मैंने क्या किया B की वैल्यू 9 है 9 पुट कर दी 4 as it is minus A की वैल्यू 4 C 25. मल्टीप्लाई कर लिया इन तीनों वैल्यूज को तो हमारे पास 400 आ जाएगा. 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर का क्या मतलब है 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 हमारे पास आ जाएगा. 81 माइनस 400 माइनस 319 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज एटी का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एवेल्युएट 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस ब्रेसेस 1 माइनस पैरेंथेसिस 1 माइनस 1 प्लस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज्ड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1. अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 1 दी हुई है लेकिन सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे. क्या है हमारे पास 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस ब्रेसेस 1 माइनस पैरेंथेसिस 1 माइनस 1 प्लस एक्स बार क्लोज. अब इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे इसके अंदर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सारे को. क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस ये देखिए बार है तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास पहले ये सॉल्व हो गया. अब इसको मैंने क्या किया बार को खत्म किया मिनकुलम इसको खत्म किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस की जगह पे माइनस आ गया. अब ये प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्या रह जाएगा हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस और माइनस एक्स ब्रैकेट और ये आ जाएगा हमारे पास. उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस क्या आ जाएगा ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस एक्स आ जाएगा. ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स हमारे पास ये आ गया. अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे ये प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये क्या आ जाएगा ऊपर 1 माइनस है माइनस प्लस एक्स हो जाएगा 1 प्लस एक्स आ गया हमारे पास. अब एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 सॉल्व करने के बाद आ गया 1 प्लस एक्स तो हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 है एक्स की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 प्लस एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इज द आंसर. ये सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास. दोबारा रिपीट कर रहा हूं सबसे पहले हमने बार को सॉल्व किया 1 माइनस एक्स आ जाएगा इसकी जगह पे 1 प्लस एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स आ गया हमारे पास बार को खत्म किया 1 1 से कैंसिल हो गया माइनस एक्स आ गया फिर ब्रैकेट ओपन की माइनस माइनस प्लस एक्स 1 प्लस एक्स आ जाएगा फिर उसको ब्रैकेट को माइनस के साथ ओपन किया तो क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स आ जाएगा प्लस 1 माइनस 1 फिर कैंसिल हो जाएंगे माइनस एक्स बच गया माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस एक्स. सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस एक्स. मैंने एक्स की वैल्यू क्या गिवन थी 1 वो एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8D का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 4a स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट b प्लस a ब्रैसेस 3 माइनस a प्लस 3b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. एवेलुएट करना है a इज इक्वल टू 7 b इज इक्वल टू 6. अब हमारे पास देखा क्वेश्चन में क्या है a इज इक्वल टू 7 b इज इक्वल टू 6 पहले लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. पहले कैसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जैसे 8c में हमने सॉल्व किया था ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास सबसे पहले ये वाली ब्रैसेस हमारे पास सॉल्व होंगे क्या हो जाएगा इसको ओपन करते हैं 4a स्क्वायर माइनस 2b प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा 3a माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर आ जाएगा. ये देखें आ गया हमारे पास. अब इसमें कोई लाइक टर्म है कोई भी लाइक टर्म नहीं आ रही. अब मैं इनको क्या करूंगा मल्टीप्लाई करके फिर ओपन करूंगा इसको मैं 4a स्क्वायर
माइनस टू से सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी, माइनस टू बी प्लस माइनस माइनस थ्री टू द सिक्स ए माइनस माइनस प्लस टू ए स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस सिक्स बी स्क्वेयर। अब इनमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी बन रही है, टू ए स्क्वेयर और फोर ए स्क्वेयर, फोर ए स्क्वेयर या टू ए स्क्वेयर को इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सिक्स ए स्क्वेयर माइनस टू बी माइनस सिक्स ए माइनस सिक्स बी स्क्वेयर। ये सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास, सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास क्या आया, सिक्स ए स्क्वेयर माइनस टू बी माइनस सिक्स ए माइनस सिक्स बी स्क्वेयर आ गया हमारे पास। अब उसमें कहते हैं कि जी वैल्यू क्या, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यहां पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू कौन कौन सी है जी, ए इज इक्वल टू सेवन एंड बी इज इक्वल टू सिक्स, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए और बी की वैल्यू पुट करने का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सिक्स ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू क्या सेवन का स्क्वेयर, सिक्स सेवन का स्क्वेयर माइनस टू बी, बी की वैल्यू क्या सिक्स है माइनस सिक्स ए, ए की वैल्यू है सेवन, सेवन पुट कर दिया माइनस सिक्स बी का स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर क्या है सिक्स का स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पे क्या आ जाएगा, सिक्स इंटू फोर्टी नाइन माइनस ट्वेल्व माइनस फोर्टी टू माइनस सिक्स इंटू थर्टी सिक्स। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखिए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, फोर्टी नाइन सिक्स आर, फोर्टी नाइन को सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, फोर्टी नाइन सिक्स आर आ जाएगा हमारे पास 294, क्या आएगा 294 आ जाएगा। फिर माइनस ट्वेल्व माइनस फोर्टी टू माइनस ट्वेल्व माइनस फोर्टी टू और थर्टी सिक्स सिक्स आर कितना आता है 216, माइनस 216 आ गया। अब ये देखिए सारी माइनस की वैल्यूज हैं, मैं इसमें क्या करूंगा 294 ये सारे प्लस हो जाएंगे, 42 एंड 12 कितना हो जाएगा 54, 54 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 270, इन सबको सॉल्व करें माइनस 12 माइनस 42 क्या आ जाएगा 4 5 माइनस 54 आ गया माइनस 216 एंड माइनस 54 क्या आ जाएगा 0 1 5 6 7 2 माइनस 270 294 माइनस 270 294 में से 270 को माइनस करें हमारे पास क्या आ जाएगा 24 इज द आंसर। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं दोबारा रिपीट करता हूं यहां से देखें, मैंने पहले सिंप्लीफाई किया हमारे पास एक एक्सप्रेशन हमारे पास बनी सिक्स ए स्क्वेयर माइनस टू बी माइनस सिक्स ए माइनस सिक्स बी स्क्वेयर बन गई। हमने ए और बी की वैल्यू पुट करनी थी, ए इजिकल टू सेवन बी इजिकल टू सिक्स, ए जहां पे था ए स्क्वेयर वहां सेवन का स्क्वेयर ले लिया, यानी ए की वैल्यू सेवन थी सेवन का स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर था तो सिक्स की वैल्यू पुट कर दी सिक्स का स्क्वेयर ले लिया। 49 को सिक्स से मल्टीप्लाई किया, सिक्स टू जार ट्वेल्व सेवन सिक्स जार फोर्टी टू सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 294 माइनस ट्वेल्व माइनस फोर्टी टू माइनस 216, तीनों माइनस की वैल्यू है ये प्लस हो जाएगी तो हमारे पास आएगा माइनस 270 क्या आ जाएगा माइनस 270, 294 माइनस 270 को माइनस किया 224 इज द आंसर ऑफ सिंप्लीफिकेशन।